परम पूज्य प्रातास्मरणीय श्री अरुण गुरु जी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज पड़की, श्री मनोज सेना जी, गोल्डन बाबा जी, श्री विवेकानंद जी महाराज, श्री विवेकानंद जी महाराज, श्री रामानंद आश्रम जी एवं श्री प्रकाश आश्रम जी महाराज, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय गोट पालक संघ का एक गौ माता की संवर्धन संरक्षण एवं उपयोगिता के दिशा में जो राष्ट्रीय गोट पालक संघ कार्य कर रहा है, आप सभी संतों के मार्गदर्शन में और संत समाज कैसे, क्योंकि संत समाज ही जब तक आईना नहीं दिखाएगा समाज को, क्योंकि जो गाय है, गाय में 33 कोटि के देवता वास करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आजकल लोग गाय को ही भूल गए हैं कि गाय है क्या। उसके पीछे कारण है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरे भगति कथा प्रसंगा। समाज संतों के सानिध्य में जाना नहीं चाहता। किसी प्रकार से जो कथा है, जो संतों की वाणी है, उनको सुनना नहीं चाहता। इसलिए वो जो भी कार्य करता है वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। जैसे किसी भी कार्य करने के लिए सबसे प्रथम शास्त्र, विज्ञान और व्यवहार, इन तीन मापदंडों की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी चीज में शास्त्रोक्त नहीं है वो, तो अगर वो वैज्ञानिक और व्यवहारिक है तो वो कभी पूर्ण रूप से फलित नहीं हो सकता। अब शास्त्र की बात जानने के लिए हमें संतों की सन्निधि में आना पड़ेगा। तो ज्यादा न बोल के मैं ये चाहता हूं कि जो शास्त्र की जो बात है कि गाय हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में आप मार्गदर्शन करें। तो मैं पूज्य श्री अरुण जी महाराज से विनम्र सकता है जो कि उनको मिलना चाहिए, सनातन कार्य से मिलता चला रहा है। हम लोग सिर्फ इतनी बात करते हैं कि गौ के लिए दूध दे या उनसे बने हुए प्रोडक्ट जो भी बाजार में मार्केट में आए उनको कैसे बेचा जाए, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना। हमारे गुरुजन हमारे महाराज जी इस बात पर भी विशेष केंद्र बिंदु मतलब अंकित करके अपना ध्यान लोगों के प्रति खींचते हैं कि गौ माता को सिर्फ जीव जैसे भैंस है, बकरी है, इनकी तुलना में न देखे। किसान गौ माता को माता के तुल्य ही माने, जैसे अपने घर में बुजुर्गों की सेवा की जाती है उसी प्रकार से गौ माता की भी सेवा करे। इसलिए इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि गौ माता को हर किसान के घर पर कैसे पहुंचाया जाए और उस किसान को गौ माता की सेवा करके कैसे लाभ दिया जाए। तो यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य के साथ में है। हमारे लखनऊ से आए हुए राधे दीक्षित जी है हमारे बीच में। ये आपको गौ माता से कितने उपयोगिता है, कितनी चीजें प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इस विषय में बताएंगे। एवं जैविक खेती जो हम लोग इस समय रासायनिक खेती करके अपने शरीर को आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान दे रहे हैं, इस पर जैविक खेती करके हम लोग कैसे आगे बढ़े और इस समाज को कैसे जोड़े, किसान कैसे जुड़े, इस पर आप दीक्षित जी हमारा प्रकाश डालेंगे। आदरणीय दीक्षित जी से मैं निवेदन करता हूँ कि मंच पर आए और हम लोगों को इसमें